हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर सिक्स की जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ तो ये एक्टिविटीज़ क्या होती है इनके आगे से क्लासिफिकेशन जो इंडस्ट्रीज की है वो किन बेसिस पे की जाती है ये सब हम जो है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करें और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटीज जो हैं वो क्या होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटीरियल एंड टू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स तो जितने भी हमारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम ईजिली डायरेक्टली कंज्यूम कर पाते हैं नेचुरल रिसोर्स जो बने होते हैं उनको जब हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मिंग का प्रोसेस होता है वो हमेशा होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंडर सेकेंडरी एक्टिविटीज देर फोर आर कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या कितनी रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर जो है वो करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज तो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रांसफॉर्म करती हैं रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज द लिटरल मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज टू मेक बाय हैंड बट इट हैज अटेंड वाइड मीनिंग इन द प्रेजेंट डे कंटेक्स कि जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसका लिटरल मीनिंग था टू मेक बाय हैंड कि जो भी चीज जो है वो हम हैंड से उसको बना रहे हैं बट अब क्या हुआ जब टेक्नोलॉजी जो है जो मशीनरी है हमारी वो इतनी एडवांस हो गई कि जो आज मशीनरी का जो एक कंटेक्सट अगर हम देखें इन द प्रेजेंट कंटेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग है वो बहुत ही चेंज हो चुका है नेक्स्ट है कैरेक्ट ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल तो जितने भी हमारी मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं या हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो फर्स्ट हमारे पास है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्के प्रोडक्शन के किन मैथड से जो है हम वो जो रॉ मटेरियल से हम वेल्यूएल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कौन से मैथड से, से जो है उनको प्रोडक्शन हो रहा है जैसे अगर हम क्राफ्ट की बात करें तो कोई भी अगर क्राफ्टेड चीज है आपको कोई भी पॉट है या आपकी कोई भी एक प्लेट है जो एक क्राफ्ट से बनी हुई है क्राफ्टेड है बाई हैंड तो उसमें क्या होगा बहुत ही ज्यादा जो स्किल्ड लेबर है वो लगेगी और जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी और जो प्रोडक्शन है उसका जो आउटपुट है वो बहुत कम होगा क्योंकि जो एक स्किल लेबर चाहिए और दूसरी बात है कि जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो बाय हैंड है इट टेक्स टाइम तो सेकेंड हमारे पास है मैकेनाइजेशन इट मीन्स जहाँ मशीनरी का यूज हो रहा है जैसे यहाँ पर जो है बाय हैंड जो है वो जो क्राफ्टेड चीज़ें थी उनको प्रोड्यूस किया जा रहा था बट मशीनरी में क्या हुआ इन्हीं चीज़ों को जो है वो मशीन जब बनाएंगी तो आउटपुट जो है ज़्यादा आएगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि जो टाइम है वो बहुत कम लगेगा टेक्निकल इनोवेशन अब टेक्निकल इनोवेशन जो है वो इट इन्वॉल्व रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि जितने भी हमारी रिसर्च से रिलेटेड जो इनोवेशन होगी उसमें कितना जो है वो डेवलपमेंट होगी उस चीज़ से तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल इनोवेशन की मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कैसे हम अपनी रिसर्च का यूज करते हुए जो आउटपुट्स हैं वो हम ज़्यादा जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेटिफिकेशन कि कौन सी चीज़ ऐसी है हमारी पूरी एक इंडस्ट्री के बीच में जैसे हमने एक इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है कि पार्ट्स में डिवाइड कर देना और उनको एक जो उसका पार्ट है हर पार्ट को अलग अलग जो है वो हम कुछ एक काम दे देते हैं एक कुछ कंट्रोल दे देते हैं कि इंडस्ट्री में जितना भी वो काम होगा उस जगह पर उसका जो एक प्रोडक्शन होगा या लेबर होगी हम उसको जो है वो डिवाइड कर देंगे उनके स्किल्स के बेसिस पे हमारे पास आता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जाता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को जो है इफेक्ट करते हैं तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज गवर्नड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल एंड नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स तो इसमें बहुत सारे हमारे जियोग्राफिकल और नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की लोकेशन जो है इंडस्ट्री की वो कहा होनी चाहिए सबसे सूटेबल जो हमारी एक लोकेशन है वो इंडस्ट्रीज की किधर होंगी तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की जिसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है डिस्टेंस डिस्टेंस तो distance कैसे होगा इट इज अ डोमिनेंट फैक्टर विच एफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एट ए गिवन प्लेस क्योंकि इसमें जो है हमारे पास रॉ मेटीरियल अगर यहां पर है हमारे पास ए पॉइंट पर रॉ मेटीरियल है और यहां पर हमारे पास मार्केट है तो रॉ मटीरियल के और मार्केट के अकॉर्डिंग जो लोकेशन इंडस्ट्री की वो कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए कि जो रॉ मटेरियल अगर हैवी है या हमारे पास लाइट वेट है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितना डिस्टेंस जो है इकोनॉमिक डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं ट्रैवल करना पड़ेगा नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस टू मार्केट की जो मार्केट है हमारी जैसे हमने ए पॉइंट पे रॉ मटेरियल लिया और बी पॉइंट पे हमने लिया यहाँ पर मार्केट तो इंडस्ट्री की लोकेशन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर जो हमारे मार्केट है उससे भी जो एक्सेसिबिलिटी है उसकी वो अच्छी हो और जो द एक्सिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फ्रॉम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कि जो एक्जिस्टेंस है मार्केट की वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मार्केट मीन्स पीपल हु हैव अ डिमांड ऑफ दीज गुड्स एंड ऑल्सो हैव द परेजिंग पावर एबिलिटी टू परचेज टू बी एबल टू परचेज फ्रॉम द सेलर्स एट अ प्लेस कि अगर हम बात करें यहाँ पर किसी एक इंडस्ट्री की अगर यहाँ पर हमारे पास किसी भी अम्ब्रेला की अगर यहाँ पर यहाँ पर इंडस्ट्री है और ये जो प्लेस है हमारे पास ये है राजस्थान तो यहाँ पर क्या है डिमांड ही नहीं है अम्ब्रेलाज की क्योंकि यहां पर जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है अगर यही इंडस्ट्री को हम लगा दें कोई भी ऐसी हिली एरिया में जहां पर जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिक अम्ब्रेलाज की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी उस मार्केट में तो इंडस्ट्री की लोकेशन जो है वो वहीं पर जो उसका ओनर होगा वो वहीं पर प्रेफर करेगा उस लोकेशन को कि जहां पर इसकी डिमांड हो अम्ब्रेलाज की तो वो वहीं पर अपनी इंडस्ट्री जो है वो लगाएगा वैसे ही राजस्थान में जो है वो कोई ना कोई वाटर की अपनी लगाना प्रेफर करेंगे जहां पर वाटर जो है वो पैकेज होता हो थर्ड हमारे पास है एक्सेस टू रॉ मटेरियल की रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्रीज के पास होना चाहिए अगर वो वेट जो है उसका अगर बहुत ज्यादा होगा किसी भी रॉ मटेरियल का तो उसको हमें हमेशा इंडस्ट्री के पास लगाना चाहिए ताकि जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं जो उसका इकोनॉमिक डिस्टेंस है वो कम हो जाए रॉ मटीरियल यूज बाय इंडस्ट्री शुड बी चीप एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट ताकि अगर हम उसको जितनी दूर लेकर जाएंगे तो उसका उतना ही जो रेट है वो बढ़ता चला जाएगा और उसको उतना ही टफ हो जाएगा वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप बल्की एंड वेट लॉस मटेरियल ऑर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टील शुगर सीमेंट इंडस्ट्रीज तो ये क्या चीजें होती हैं जो अगर हमारे पास अगर हम स्टील की और शुगर वगैरह की बात करें तो शुगर में हमें शुगर केन जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में जो है वो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है तो वो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन है वो हमेशा रॉ मटेरियल के पास में चूज की जाएगी ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए और इनको जो ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाए पर्सिबिलिटी इज अ वाइटल फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल तो अगर हम फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो ये जो है पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो इनकी शेल्फ लाइफ है बहुत कम होती है और बहुत जल्दी इनके खराब होने का डर होता है तो इसी वजह से इनकी जो लोकेशन है इंडस्ट्री की वो भी हमेशा रॉ मटेरियल के पास रहती है अगर यहाँ पर अमूल की कोई एक इंडस्ट्री है तो वो वहीं पर ही उसकी लोकेशन होगी जहाँ पे ईजिली उनको डेयरी प्रोडक्ट्स जो है या जो मिल्क है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता हो ताकि जो मिल्क ट्रांसपोर्ट करने में कम से कम टाइम लिया जाए ताकि वो इंडस्ट्री में जाके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में सेल हो सके फोर्थ हमारे पास है एक्सेस टू लेबर सप्लाई तो तीन चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है मार्केट रॉ मटीरियल और उसके बाद हमारे पास लास्ट है लेबर कि जहां पर हमें लेबर जो है वो इजिली अवेलेबल हो लेबर सप्लाई इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कि अगर हमारे पास किसी ऐसे एरिया में हम इंडस्ट्री लगाएं जहाँ से लेबर बहुत दूर से हमें बुलानी पड़े तो वो लेबर जो है वो प्रेफर नहीं करेगी इतनी दूर माइग्रेट होना तो हम उसी रीजन में अपनी जाके इंडस्ट्रीज लगानी प्रेफर करेंगे जहाँ पर हमें इजिली लेबर जो है वो अवेलेबल हो सम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल हैव द डिपेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्री अपॉन द लेबर्स ये बात तो ठीक है कि जो हमारी मशीनरीज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो ह्यूमन लेबर है उनकी जगह ले ली है बट इनको ऑपरेट करने के लिए भी हमें स्किल्ड लेबर जो है वो चाहिए होती है तो हमारे पास है एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो हमने इंडस्ट्री तो लगा ली अगर वहां पर हमारे पास सप्लाई ही नहीं है एनर्जी की तो हम उन मशीन्स को कैसे ऑपरेट करेंगे इंडस्ट्रीज विच मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ द एनर्जी सप्लाई सर्चे एट द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री तो जितनी भी हमारी कोल इंडस्ट्रीज है वहाँ पर हमें क्या है वाटर जो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है वैसे एनर्जी सप्लाई जो है एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है अर्लीर कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टूडे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर मेनी इंडस्ट्रीज तो वाटर जो है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ही जो पेट्रोलियम है कुछ इंडस्ट्रीज में पेट्रोलियम एज ए इनपुट जो है वो यूज होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी अभी तक हमने देखे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बट अब हम बात करते हैं नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की जिनमें का जो है वो कोई नहीं है बट यहां पर हम जो है वो कैपिटल और पॉलिसीज की बात करेंगे एक्सेस टू गुड मैनेजमेंट कि जो हमने इंडस्ट्री लगाई है उसमें जो लेबर है उसको कौन ऑपरेट करेगा उनकी जो डिवीजन है जो उनको मैनेजमेंट चाहिए कि क्या इनपुट्स दिए जाएंगे कि हमें बेटर जो आउटपुट्स हैं वो ईजिली मिल सकें तो वैसे ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है हमें कैपिटल जो है मनी जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी इंडस्ट्री में वो कैसे आएगी और उस कैपिटल को हम कैसे जो है अपनी डिफरेंट जो डिवीजन है हमारे जो पूरी इंडस्ट्री की उसमें हम डिवाइड करके जो उसका बेस्ट ऑफ आउटपुट जो है वो हम वो निकाल पाएंगे वैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऐसी होती हैं जिनमें जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे अगर हम बात करें हमारे ड्रग फैक्ट्रीज़ की या मेडिसिनल जो हमारे बड़े बड़े ड्रग्स की जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर हमारी जो पेट्रोल इंडस्ट्रीज होती हैं ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इनकी अगर अगर यहाँ पर हमारे पास इनकी अप्रूवल नहीं है तो हम कोई भी इंडस्ट्री में, में मैनुफेक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो इलीगली नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्लासिफिकेशन की बात करते हुए हम जो क्लासिफिकेशन है हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की उनको हम डिफरेंट बेसिस पे जो है वो डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट जो हमारे पास बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज की इंडस्ट्री के साइज के अकॉर्डिंग जो है हम उनको क्लासिफाई करेंगे तो फर्स्ट जो साइज के बेसिस पे हमारे पास इंडस्ट्री आती है वो है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग की जो एक बहुत स्मॉल स्केल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या हाउल्ड होल्ड इंडस्ट्री जो एक छोटी सी जगह में भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं द यूज लोकल रॉ एंड सिंपल टूल्स टू प्रोड्यूस एवरी डे गुड्स इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स और पार्ट टाइम लेबर तो अगर हम पोट्री की बात करें तो पोट्री एक ऐसी फील्ड है जो एक हम कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग में लेते हैं कि अगर बहुत स्मॉल स्केल पर हो रही है तो किसी भी घर के अंदर भी जो है पोटर जो है वो ईजिली जो अपने Valuable products जो है वो develop कर पाएगा with raw materials. Raw materials में हमें क्या चाहिए सिर्फ हमारे पास है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज इट्स प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर अ वर्कशॉप आउटसाइड द होम कॉटेज ऑफ द प्रोड्यूसर इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेज लोकलिंग पावर तो ये बहुत बो, ही ज्यादा लार्ज इंडस्ट्री है और ये नाम ही बहुत ज्यादा छोटी इसे हमें कॉटेज इंडस्ट्री में जो है वो इंक्लूड कर सके तो जो तो टेक्निक्स और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो जो डिपेंड करती है कि इसको कॉटेज और लार्ज से जो है ये डिफरेंट बनाती है और ये जो प्रोड्यूस करता है ये इसकी प्रोडक्शन की वजह से बहुत सारे लोग हैं क्योंकि यहाँ पर लेबर इंटेंसिव है ये तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती है और रेज लोकल परचेजिंग पावर कि लोकल परचेजिंग पावर क्या होती है कि उस एरिया में जितनी डिमांड है उसी हिसाब से जो लोग हैं उसको परचेज़ करेंगे तो एक लोकल परचेजिंग पावर जो है उसी चीज़ की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो रेज हो जाएगी हमारे पास है लार्ज स्केल तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में आती हैं इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज मार्केट इसको जो इसमें जितने भी वैल्युएबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप होंगे जो प्रोड्यूस होंगे उनको एक बहुत ही बड़ी मार्केट चाहिए होती है वेरियस रॉ मटेरियल्स क्योंकि अगर वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी बहुत ज्यादा चाहिए होगा और एनर्जी हमारे पास स्पेशलाइज्ड वर्कर्स स्किल लेबर एडवांस टेक्नोलॉजी असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन एंड लार्ज कैपिटल क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी है मशीन्स इतनी ज्यादा हैं लेबर्स भी चाहिए तो उसके लिए क्या है यहाँ पर जो हमें कैपिटल है जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा करनी होगी दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप इन द लास्ट टू हंड्रेड इन द यू एन ईस्टर्न ऑफ यू एंड यूरोप किस बेसिस पे हम जो है क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो है इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स की क्या इनपुट्स जो है उस इंडस्ट्री में जाएंगे जिसके बेसिस पे जो है हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं तो फर्स्ट उसके लिए हमारे पास है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग इन वो द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द फील्ड कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल बेस्ड जितने भी मटेरियल होते हैं जब उनका यूज हम किसी इंडस्ट्री में करते हैं तो वो हो जाती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड से डायरेक्टली आ रहा है एंड द फार्म इन टू फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्हीं फील्ड के जो रॉ मेटीरियल्स हैं उनको डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में फ्रॉम रूरल एंड अर्बन मार्केट मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर फूड प्रोसेसिंग ज्यादातर जितनी भी हमारे जो होती 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 हैं 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 वो वो है। जैसे आज के 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 में में अगर हम wheat के अगर हम देखें कि wheat flour के जितनी भी भी आती food processing industries के अंडर, जो जो हमारे पास है mineral based industries, तो जिन भी industries में जो एक हमारे पास रॉ मटेरियल है जो बेसिक हमारे पास नेसेसिटी है उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए वो है मिनरल्स दीज इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल सम इंडस्ट्रीज यूज फेरस मेटेलिक मिनरल्स फेरस के होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट पाया जाता है या जो आयरन के जितने भी मेटल जो है उनसे रिलेटेड मिनरल्स जो होते हैं एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें डायरेक्ट जो है आयरन का यूज होता है टू प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील बट सम यूज नॉन मेटलिक मिनरल्स नॉन फेरस कौन से होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट जो है वो नहीं होता सच एज एल्यूमिनियम कॉपर एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ तो जितने भी ज्वेलरी इंडस्ट्रीज हैं वो आती तो मिनरल बेस्ड में है बट वो नॉन फेरस मेटलिक मिनरल्स होते हैं मैनी इंडस्ट्रीज़ यूज नॉन मेटलिक मिनरल एज सीमेंट एंड पोट्री इंडस्ट्रीज़ तो पोट्री इंडस्ट्रीज भी हैं अगर बहुत लार्ज स्केल पर इनका प्रोडक्शन हो रहा है तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो कॉटेज भी हो सकती हैं और लार्ज स्केल भी हो सकती हैं पास है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज तो जिन इंडस्ट्रीज में केमिकल का यूज होता है यूज नेचुरल केमिकल मिनरल्स मिनरल ऑयल पेट्रोलियम इज यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इनसे जो है बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जैसे सिंथेटिक फाइबर हो प्लास्टिक हो और ये जो है सोल्ट सल्फर एंड पोटैश इंडस्ट्रीज में जो है वो यूज होते हैं जो नेचुरल मिनरल्स हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन नेचुरल टेन फ्रॉम वुड एंड कोल तो जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं इनका जो रॉ मटेरियल है वो या तो सोल्ट सल्फर एंड पोटैश में होगा या फिर वो वुड और कोल से भी जो डायरेक्टली मिल सकता है टू प्रोड्यूस फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मेटीरियलिंग इंडस्ट्रीज जो डायरेक्ट फॉरेस्ट से जो है रॉ मेटीरियल ले रही है इंडस्ट्रीज उनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट बेस्ड तो इनमें जो हमने अभी लिया बेसिस जो था वो था इनपुट का रॉ कि मेटेरियल किस टाइप का है तो इसमें क्या है फॉरेस्ट बेस्ड दैट प्रोवाइड मेनी मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स विच आर यूज एज रॉ मटीरियल टिम्बर फॉर फर्नीचर इंडस्ट्री वुड बैम्बू एंड ग्रास फॉर पेपर इंडस्ट्री लैक फॉर लैक इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम फॉरेस्ट तो ये क्या है नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारे फॉरेस्ट उनको यूज करते हुए जैसे अगर हम टिम्बर का यूज करते हैं फैक्ट्रीज में टिम्बर से जो है वो बहुत टाइप के फर्नीचर जो है बनाए जाते हैं और इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है उन फर्नीचर्स में वैसे ही वुड और बैम्बू जो है और ग्रास जो है हमारी वो पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है टू प्रोड्यूस पेपर एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होंगी या तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए होंगी या वो मीट प्रोडक्शन के लिए होंगी या वो लेदर प्रोडक्शन के लिए होंगी तो वैसे ही लेदर फॉर लेदर इंडस्ट्री एंड वूल फॉर वुलन टेक्सटाइल्स वूल भी यहाँ पर कलेक्ट की जाती है जैसे शीप्स हैं या हमारे हॉर्सेस की भी जो हैं वो कुछ ऐसे हॉर्सेस की ब्रीड्स होती हैं जिनमें वूल प्रोड्यूस की जाती है एंड ऑबटेन फ्रॉम एनिमल्स बिसाइड्स एवरी इज ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम एलिफेंट टस्ट तो एलिफेंट्स के जो तो टस्क होते हैं उससे भी जो आइवरी जो है वो उपटेन की जाती है बात की थी इनपुट्स की बट अब हम बात करेंगे उन प्रोडक्ट्स के आउटपुट्स की कि क्या आउटपुट्स जो है जो है, वो इस बेसिस पे भी क्लासिफाई की जाती हैं हैं कि उनमें क्या आने वाले मटेरियल्स तो अब इसमें क्या होगा कि अगर आपने आयरन बना दिया आपने आयरन और स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल लेके आयरन ओर को आपने आयरन की जो शीट्स है उनको डेवलप कर दिया अब ये एज एन इनपुट जाएगा किसी और इंडस्ट्री में जहां पर हम उस आयरन से बहुत सारी चीजें बनाएंगे एज ए रॉ मटेरियल की हम इस आयरन को जो ऑलरेडी हमने प्रोड्यूस किया है किसी एक इंडस्ट्री में उसको फिर से रॉ मटेरियल लेकर हम एक दूसरी इंडस्ट्री में यूज करेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे उसका आउटपुट क्या होगा जैसे आयरन स्टील मशीन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्लोथ्स फॉर यूज और यूज बाय कंज्यूमर्स की अब जो हमने आयरन जो आयरन और स्टील का प्रोड्यूस कर दिया उसकी शीट्स जो है वो डेवलप कर दिया अब उन्हीं शीट से जो है से जो है वो हम मशीन्स डेवलप करेंगे ताकि हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लोथ्स हैं वो बना सकें पास बेसिस बेसिस है है वो ऑन है ऑफ की जो ओनरशिप है किसी भी एक इंडस्ट्री की वो किसके पास होती है तो फर्स्ट हमारे पास है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जितनी भी इंडस्ट्री जो है वो ओन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट जिनको मैनेज जो करती है या ओन करती है वो गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट पार्टीज करती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इन इंडिया देयर आर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूएस सोशलिस्ट कंट्रीज हैव मेनी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज मिक्स्ड इकोनॉमीज हैव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे पेट्रोलियम वगैरह है तो बहुत ज्यादा जो ये ओन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट्स होती हैं वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जहाँ पर जो ओनरशिप है वो किसी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास होती है जो अपना ही जो कैपिटल है उसको इसमें इन्वेस्ट करता है दीज आर मैनेज बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज इंडस्ट्रीज आर जनरली ओन्ड प्राइवेटली तो जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल होता है जो मार्केट में वो बहुत कम होता है वहाँ पर यूजली जो है हमें प्राइवेटली ओन जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्रीज आर मैनेज बाई ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज और समटाइम्स द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स टुगेदर इस्टेब्लिश एंड मैनेज द इंडस्ट्रीज तो यहाँ पर क्या होता है जैसे हम जो पब्लिक की बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट ऑन करती है और प्राइवेट में जहाँ एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो उसको ऑन करता है अब जॉइंट में क्या होता है कि पब्लिक और प्राइवेट मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जिसमें वो उनके जो इन्वेस्टमेंट शेयर्स होते हैं वो डिफरेंटली होते हैं कि अगर प्राइवेट को ज्यादा उसमें पब्लिक को उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो वो ज़्यादा कर सकते हैं उसी हिसाब से उसके जो प्रॉफिट में शेयर्स आ जाएंगे और वैसे ही प्राइवेट अगर ज़्यादा करता है तो प्राइवेट के शेयर्स आ जाएंगे तो ये जो मैं होता है ये जॉइंट स्टॉक में होता है कि जो पब्लिक है और प्राइवेट है ये मिलकर कंपनी बना सकते हैं और इनके जो प, जो हमारे शेयर्स आएंगे जो प्रॉफिट्स आएंगे वो या तो इक्वली शेयर हो जाएंगे या जितनी जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी उस कंपनी में उतना ही उसको जो प्रॉफिट्स हैं वो मिल जाएंगे बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें